एलो की आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान संघर्ष अधिकार रैली जारी है। रैली में इनसो अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला, इनेलो नेता करण चौटाला के अलावा कई वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं। रैली के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों से इनेलो कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हैं। रैली से पहले इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अलग अलग जगहों पर सभाएं कर किसान संघर्ष अधिकार रैली को सफल बनाने की अपील की थी। साथ ही रैली के लिए इनेलो ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर कोई असर न पड़े। आपको बता कि इनेलो ने केंद्र और राज्य सरकार पर एसवाईएल और किसान के मुद्दों पर गंभीर न होने के आरोप लगाए हैं। इनेलो सुप्रीमो पहले ही दावा कर चुके हैं कि रामलीला मैदान में होने वाली इनेलो की रैली बीजेपी की जींद रैली से कई गुना बड़ी होगी। दिल्ली में इनेलो की अधिकार रैली चल रही है, किसान अधिकार रैली चल रही है। यहाँ पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से किसान पहुंचे हैं। इनेलो के कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मुकेश मंडल यहाँ पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट्स हैं रैली में? बिल्कुल, प्रतिक्रिया में बता दूं, अभी जो सांसद है दूसरों के पाला वो अपनी स्पीच दे रहे थे, वो अपनी बातों को जनता के सामने इनेलो कार्यकर्ता और किसानों के सामने रख रहे थे। अभी जो मंच पे है अशोक अरोरा प्रदेश अध्यक्ष इनेलो के, वो स्पीच दे रहे हैं। वो जनता को जो यहाँ पे रैली में मौजूद लोग हैं उनको किसानों के बीच खिलवाड़ लगातार हो रहा है उनसे जो वो गिनवा रहे हैं। उसके साथ ही जो इनेलो जो लड़ाई लड़ी है जो विपक्ष में रहते हुए वो सारी चीजें वो गिनवा रही है। वो साफ इनेलो कह रही है मुद्दा और चाहे किसानों की मुद्दे की बात नहीं, यहाँ पे महिला सम्मान की भी बात होनी चाहिए। और जब हमारी सरकार आएगी तो महिला सम्मान जो क्राइम का ग्राफ प्रदेश में बढ़ा है वो क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हर जगह जो गुंडे पैदा हो रहे हैं उस जो लोग हैं यहाँ पे वो काफी भयभीत है। महिला सुरक्षित नहीं है, शाम के समय जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं जा सकती है। तो प्रदेश का कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेकाबू हो चुका है, वो कब सरकार के हाथों में नहीं है। तो इस तरह से जो प्रदेश में जो भय का माहौल बना है उसको लेकर ये जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार है उसके उनके निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही जो किसानों के साथ जो एसवाईएल का पानी नहीं आ रहा है उसके बारे में भी वो कह रहे हैं। जो हरियाणा प्रदेश में जिस दिन इनेलो की सरकार आएगी उस दिन एसवाईएल का जो पानी है हरियाणा के प्रदेश में आएगा, चाहे स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो लागू करवाएगी। इनेलो एक ऐसी सरकार है जो किसान के साथ खड़ी है और हर मोर्चे पे किसानों के साथ नजर आती है। बीजेपी की सरकार है वो किसान को सिर्फ वोट बैंक के तौर पे अपनाती है। तो ये तमाम चीजें जो है जो मंच के माध्यम से अशोक जो अरोरा है वो लोगों को बता रहे हैं। जी मुकेश, अगर बात करें एसवाईएल की, एसवाईएल का मुद्दा इनेलो काफी वक्त से उठाए हुए है, सरकार को घेरने की भी कोशिश कर रही है और यहाँ पर भी इनेलो की तरफ से एसवाईएल के मुद्दे को अहम मुद्दा रखा गया है। देखिए, मसला जो किसान अधिकार रैली का यही है, जो एसवाईएल का पानी और स्वामीनाथन रिपोर्ट ये दो अहम मुद्दे हैं इस रैली को लेकर और वही दो मुद्दे हैं जिसको लेकर ये इनेलो लगातार जो सरकार है उस पर निशाना साधती नजर आ रही है। ये जो अशोक कह रहे हैं वो खुद कह रहे हैं जो हमारे जो हक का पानी है वो सरकार नहीं ला पा रही है, तो जो हरियाणा में जनता रहती है उसकी देख रेख क्या करेंगे। ये जो लगातार एसवाईएल का पानी है वही इस मुद्दे का जो अधिकार रैली का जो मेन जो मोटो है पानी उसी को लेकर इस पर जोर दिया जा रहा है काफी। जी मुकेश, अगर बात करें मंच पर अभी कौन कौन वरिष्ठ नेता मौजूद हैं? बता दूं आपको, मंच पे जो अभय चौटाला है वो है, सांसद चौटाला है, दिग्विजय चौटाला है, चरणजीत सिंह रोड़ी लोकसभा सांसद है वो है, रामपाल माजरा है, उसके अलावा गोपीचंद गहलोत, उसके अलावा जो तमाम वो वरिष्ठ नेता है चाहे प्रवक्ता है वो सारे मंच पे मौजूद है। वो अब सब इंतजार करें अभय चौटाला का, अभय चौटाला आएंगे मंच पे और वो लोगों को संबोधित करेंगे। लोगों को बीच बात करके रैली का मकसद है किसान अधिकार रैली का वो बताएंगे, जो इस रैली का मकसद क्या है, आगे का रणनीति क्या होगा, आगे रैली के बाद भी इनेलो है वो कोई एसवाईएल को लेकर प्रोटेस्ट करती है या किसानों के साथ कोई दूसरी रैली का आयोजन करेंगे, किस तरह का उनका कदम होगा, वो तमाम बातें जो अभय चौटाला है खुद थोड़ी देर में वो जो किसान यहाँ पे जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है उनको बताएंगे, उनके सामने वो अपनी बात रखेंगे। जी मुकेश, अगर किसानों की बात करें तो क्या किसानों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है? रैली का जो है अब समापन के करीब आ गया, अभय चौटाला का जो अभय चौटाला अपनी स्पीच देंगे उसके बाद रैली की जो रैली का समापन किया गया है। तो लगातार जो लोग का आने का जो यहाँ पे था वो लोग आ चुके हैं, काफी संख्या में लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लोग अभय चौटाला को सुनना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने जो सांसद है उनको सुना, अशोक अरोड़ा को सुना, लोग यहाँ पे बैठे हैं वो अशोक जो अभय चौटाला है उनको सुनने के लिए आए हैं। जो रैली का मकसद है, जो मेन मकसद क्या है
वो इस रैली को लेकर क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं, किसानों को संदेश देना, उनकी उनकी बात जो है लोग उनको सुनना चाह रहे हैं, और वही उसके बाद वही स्पीच देंगे, अभय चौटाला स्पीच देंगे, उसके बाद विधिवत तरीके से रैली का समापन किया जाएगा। जी मुकेश, अगर अभय चौटाला की बात करें तो कितनी देर में होगा उनका संबोधन? मुकेश आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया है। तो हमारे सहयोगी को सुन रहे थे आप, रैली से सीधे अपडेट्स दे रहे थे हमें। दिल्ली में आज इनेलो की किसान अधिकार रैली है जिसमें कई वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं। इनेलो के अभी अभय चौटाला का संबोधन बाकी है। फिलहाल मंच पर कई वरिष्ठ नेता हैं इनेलो के, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अभय चौटाला दिखाई दे रहे हैं, अशोक अरोड़ा दिखाई दे रहे हैं, लोकसभा सांसद रूड़ी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो कई वरिष्ठ नेता अभी मंच पर मौजूद हैं। अभय चौटाला का जल्द ही संबोधन होगा। किसान भारी संख्या में पहुंचे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अभय चौटाला मंच पर उनको संबोधित करेंगे। कई मुद्दे, किसानों के मुद्दे को लेकर, एसवाईएल के मुद्दे को लेकर, कई अहम मुद्दों को लेकर रामलीला मैदान में ये इनेलो की जो रैली है वो जारी है।